यार ये पैक करवा दे आपको घर ले जाना। ओह माय की कंटेस्ट कितनी खूबसूरत है वल्ला। रंगियों के प्यास आ रही है आप ना। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। सो यार आज है 19 नवंबर और जैसा कि आप लोगों को पता है, वैसे आप लोगों को तो नहीं मुझे पता है, मेरी आज है बर्थडे 19 नवंबर को और इस टाइम कोई टाइम बज रहा है कोई 8:50 हो रहे हैं। तो अभी हम जरा इसको सेलिब्रेशन करने जाएंगे कहीं बाहर आउटिंग करने जाएंगे। तो अभी मैं आया हुआ हूँ मुल्तान में, एक हफ्ते से इधर ही हूँ, सही है। तो यहाँ पर हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उससे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अबू बकर भाई का, डार्क फेयर FB2 भाई का जिनकी रिबर्थ है, और बिलाल चीमा का जिनकी ड्रैगन एक्स है, जिन्होंने मुझे अपनी मतलब मेरी बर्थडे पे मुझे याद रखा। सो थैंक यू सो मच फॉर विशिंग। अस्सलाम वालेकुम, इस्मी अबू बकर, आज मेरे बहुत ही अजीज दोस्त की बर्थडे है, उमर रिव्यू ऑफिशियल हैप्पी बर्थडे, आपको अल्लाह बहुत ज्यादा खुशियां दे, लंबी जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है आपका? सॉरी मैं आपको पहले मैसेज नहीं भेज सका, तो मैंने आपको बर्थडे विश करनी थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, डार्क फेयर फैमिली की हम सब की तरफ से आपको बहुत सालगिरह मुबारक, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबी दे, और आपको सालगिरह आई होप आपकी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह ताला। तो ख्याल रखिएगा अपना और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकअल्लाह। देख ली वीडियो, लेवल है यार आपके भाई का, आम बंदा थोड़ी है। तो अब जाके ना जरा नहा धो लेते हैं, जरा फ्रेश हो जाते हैं, तो तैयारी शारी करते हैं। ओए ओ भाई बहुत ठंडा पानी है यार, मैं तो नहीं नहा रहा भाई, सर्दी पहले बहुत है, ऊपर से मैं नहीं नहा रहा, मैं तो यहाँ से ना चुप करके बाल गीले करता हूँ और कंघी कर लूंगा। तो भाई सर्दियाँ आ गई यार, सर्दियों में हफ्ते बाद नहाते हैं यार, लेजेंड्स को पता है यार, हफ्ते बाद नहाया करो यार, इतने ठंडे पानी से कौन नहाए। हम तो यहाँ से बाल छाल गीले करते हैं। जी तो यार भाई आपका रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, तारीफ कर दिया करो यार, बंदा कमेंट में आके कर दिया तारीफ। तो वो देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी ड्रेसिंग की है, माशाल्लाह नजर ना लगे। तो अब चलते हैं, उमर की कंटेस रेडी हो चुकी है यार जाने के लिए। अच्छा यार बात ऐसी है, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने, और कल या फिर कल आपको मैं सारा प्लान बता दूंगा जो मैंने दोस्तों के साथ करना है। अभी जरा ना एक इशू भी चल रहा है बीच में, तो देखते हैं कल क्या बनता है उनके साथ। यार अभी जरा हम ये कोर में बेकरी पर आए थे, यहाँ से जरा केक वगैरह पकड़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यार इनके नहीं नाम नहीं लिखवाना, इनके पास यार एक ही केक पड़ा है, बाकी सारे खत्म हो गए हैं, तो ये वाला चूज़ किया है। केक शेक पकड़ लिए आपके भाई ने? तो यार जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये सारा जो है ना हॉल, ये आपके भाई ने बुक करवाया हुआ है, सही है। तो आप सबको वेलकम है, सारे आ सकते हो। सो ये देखो इतनी प्यारी डेकोरेशन, यार आपके भाई ने पूरा हॉल ही बुक करवा लिया है, लेवल है शश का है। तो यहाँ पर अभी हमारी बर्थडे सेलिब्रेट होगी, ज़रा आपको थोड़ा रिव्यू देते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने गमले शमले रखे हुए हैं कोई पौधे वगैरह उगाने के लिए, हाँ भाई छिड़कने हैं, सही है। सो उसके अलावा बड़ा चिल सीन होने वाला है, तो इसके बाद भी सरप्राइज है, वो भी आपके लिए है। हाँ साथ हमारे पास ना कुछ ये यहाँ पर वैसे तो हम तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये झूले वगैरह ये मेरे ख़राब हुए पड़े, इनको भी ज़रा ना मैं ठीक करवाता हूँ। तो बाकी ये भी हमने तस्वीरें वगैरह यहाँ पर कुछ बनाई हैं। यार ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है ना, यहाँ पर आप अपना मुंह डाल के ना दूसरी तरफ देख सकते हो, सही है। तो बाकी अगर आपने मेरी जगह पे आना तो आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पहले फॉलो तो करें। हमारे पास ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, अभी हम ये रगड़ते हैं, उसके बाद हम जाके देसी खाना भी खाएंगे। Yeah.
अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खलास हो गया, अब चलते हैं देसी की तरफ। यार अभी हम लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में ऐसे यहाँ पर ज़रा हम देसी वगैरह करते हैं और काफ़ी चिल माहौल है इधर का। अच्छा यार बात ऐसी है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये मैंने बुक करवा लिया है सारा, ये देखें पीछे हमने सारा मैंने ही बुक करवाया, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ और बाकी सब। यार आपको पता है यार जब मैं कहीं पर आता हूँ ना तो वो सारी जगह खाली हो जाती है, अब देखिए सिर्फ मैं मौजूद हूँ और मतलब फैमिली मौजूद है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यार सबसे पहले हमारे पास आया सूप, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी हैं तो इसलिए ना पहले सूप होना चाहिए जी। तो यहाँ पर हमारे पास मलाई बोटी आ गई है और यहाँ पर हमारे पास चीज़ बोटी है, इसका जो रैप है ये उतार देते हैं, इसको वही कहते हैं ना। ये तो मेरे हाथ पर लग रही है यार, मेरे हाथ गंदे हो गए, डर्टी यार, डर्टीनेस बहुत है इधर। हाय हाय, तो ये है जी हमारी मलाई बोटी, ये मलाई चेक करो, ये देखो चीज़ नहीं है इसमें ना, चीज़ ही है भाई, ये नज़र तो नहीं यार, ये चीज़ बोटी है वो मलाई बोटी है। हाँ तो बाद हमारी लास्ट डिश है वो, इसका नाम क्या है इसका, चिकन हरी मिर्च हांडी। अच्छा ये चिकन हरी मिर्च हांडी है, वो देखो मिर्ची तैर रही है ऊपर, मिर्चा नहीं हांडी है सब बता ली। 12 आवर्स लेटर। तो यार बात ऐसी है कि कल रात को ना 3 बज गए थे और मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर सका। तो सुबह उठ के ना हम मुल्तान से वापस अपने घर आ गए थे शॉर्ट कट कैंट, और अब ये सीन है कि हमने अपने दोस्तों के साथ करनी है बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि फैमिली के साथ तो हो गई थी, अब दोस्तों के साथ भी करनी है, और जो मज़ा दोस्तों के साथ आता है ना यार वो कहीं पर भी नहीं आता। तो लेकिन एक मसला भी चल रहा था कि जो मेरे दो दोस्त हैं ना, एक पीर महल है एक, और जो दूसरा दोस्त है वो फैसलाबाद है, तो हम सारे दोस्त मिल के जाएंगे पीरमाल, उसको साथ मिलाएंगे और उसके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, और जो फैसलाबाद वाला है ना वो जब अगले हफ्ते आ जाएगा ना फिर हम उसके साथ दोबारा सेलिब्रेशन करेंगे। और इस बार पता है क्या सीन है, इस बार आपके भाई ने बड़ा VIP ना सीन बनाया है। पिछली दफ़ा ना मतलब पिछले साल जिन जिन की भी बर्थडे हुई थी ना तो जो बर्थडे बॉय था ना वो सबको ट्रीट देता था, इस बार आपके भाई ने ये रूल किया है कि जिसकी बर्थडे होगी ना तो जो उसके दोस्त होंगे वो बर्थडे बॉय को ट्रीट देंगे। तो आज मैं इनसे ट्रीट खाऊंगा, सही है आज इनको यार मैंने सही रगड़ा देना, सही आज ना इनको ज़रा, समझ रही हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो खैर अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं और कोई 8-1 बजे हम निकलेंगे, तब तक के लिए मैं गाड़ी पटाखे शाखी भी मार लेता हूँ। देखो यार अब ये मुझे ना गाड़ी पटाखी मारनी पड़ रही है, मुझे कहते हैं अगर तूने हमारे साथ जाना है ना तो ये गाड़ी चमका, अब देखो यार आपका भाई टाकियाँ शाकियाँ मार रहा है, सही है, और वैसे भी काफ़ी गंदी हो गई थी, इसको ज़रा चमका ही देती है मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जो अपने हाथ से सफाई करने का मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है, सुनील मंज भी कहते हैं। तो यार हम लोग रेडी शेडी हो गए थे और इसने हमें सही जलील किया, बहुत हमें ना इंतज़ार करवाया, इसलिए ये चबले भी सुनते जाना साथ साथ। अब ये रात की बात सुना, अभी हम जा रहे हैं जैन के साथ उसको लेने, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये गाड़ी कराने लगा था, चल आ जा यार अपना मोटरसाइकिल कर ले बगैर तो आदमिया। अच्छा वो अपनी जनाब साहब कह रहा था मैं अपनी गाड़ी करवाता हूँ, आप लोग इस पे आओ। अजीब बंदे, मैं तो सही अच्छा यार रास्ता नहीं है इधर से वापस मोड़नी पड़ेगी, इधर से इधर रास्ता है तो नहीं, वो मिट्टी पड़ी हुई है, नहीं वो अगली गली से जाने है, अगली किधर वाली से, वो सामने जो उनसी है, हाँ इधर को मोड़ ली, तो सही है। हीट गेज चेक करो क्या करना है, की कल्टा साथ हीट हुई है भाई। तो क्या करना है, किधर रोके इसको भाई, अब जाने को रोकना इसको, ज्यादा गर्म हो जाएगी, रोक दे इधर 25 से, इस रोड पे रोक दे यार, रोड तो चेक कर ले, ये 25 से बाधी है और क्या है, या थोड़ी आगे आ जाए भाई, जान आगे फिर वैसी बंद होगी भाई, खराब है हीट के, खराब है ना बड़ा कुत्ता बंदा। तो यार शुक्र है हम लोग इस गाड़ी पे यहाँ तक पहुँचा है, नहीं तो जो लाइटें थी ना यार मतलब एक 50 वाट का बल्ब इसमें मेरे ख्याल से लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लो लाइट की शुक्र है पहुँच गए हैं। अब जो हमारा एक दोस्त है ना वो उसको हमने कह तो दिया वो रास्ते में है, बाकी ये चेक करें कितना VVIP सीन है, तो वो वाला फ्लोर नया बन गया इनका, जो ऊपर है ना ये वाला ये नया बन गया है, तो बाकी अच्छी लॉन करते हैं, शुक्र है भाई शुक्र है तू भी आ गया, ये फ्लोर पे जाएगा, इसका इंतजार हो रहा था कब से, सही है और शुक्र है ये आ गया है, ये ब्लॉग में जाएगा, सही है आ चले भाली क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ अपने फ्रेंड को मिला, ये क्या सीन चल रहा है, इस सीन का तो मुझे भी नहीं पता
यार ये ना एक हफ्ते से यहाँ पीरमल आया हुआ है और मैं एक हफ्ते से मुल्तान गया हूँ, इतनी दूरी यार। चलो कोई आज हम इसके पास आए गए हैं। लास्ट वाला पिंजरा वेला हो गया, हो गया क्योंकि एक एकड़ मेरी कमी है। दोस्त हमेशा मेरी मैं तो आप साइड पे पैसे रखता है, मैं तो वीडियो बना यार क्यों पैसे निकाल रहे हो उसके। अच्छा वेट करना इस बेचारे के पैसे निकाल, मैं तुम्हें आप देंगे नहीं तो 2000 रुपए रहेगा। ये मेरे हाथ तक चल जाना, मेरा नोट पड़ जाना, पनीर तो पहनना पड़ दी वो। अच्छा चल उसको नेट में यार ये डिसाइड कर लो यार, पहले बाद में चवलियां मार लेना। जैन भाई आपके भी प्याज आ गए हैं, अराइयों के प्याज आ गए हैं। आप ना हल्के पै गए प्याज, क्या चीज है। कोई नहीं यार ये जैन और बिलाल का जो खाना है, जो कौमी खाना है वो आ गया है, प्याज हलाल प्याज। अभी ये देखो मेरे यार की खानी। वैसे मुझे कह रहा है प्याज खाता है, ये खाता है, वो खाता है, कौमी भूखे। ओए बाली ये देख, बाली उमर की कल्टस के लिए एक और वाइस आई है। यार उमर की कल्टस कितनी खूबसूरत है वल्ला। नहीं बस यही है, दिल को लगी है क्या क्या बुलवाते हो यार। ये जैन भी आपको एक डायलॉग याद है, ये कहा पा दिया मौके में, मैं तो अपने माँ बाप का लाडला था। नहीं मैं अभी ये सबसे पहले हमारे पास ये और क्या खुशफुस कर रहे हो यार आपने मेरे साथ खाना। अच्छा ठीक है यार, सबसे पहले मलाई रोटी आई है, पहले रोटी यार। तो अभी हमारे पास आई है इनकी ये जो स्पेशल कढ़ाई है वो आई है, और साथ यार ये जंगली पुलाव है सही है, इसके ऊपर ना इन्होंने अंडा डाला हुआ है। आपको जरा मैं दिखा भी देता हूँ, अगर तो फूट नहीं है। और उसके नीचे आए हाय हाय इसको आज हमने ना पाड़ देना। क्या हुआ वो देख रहे हैं यार, जो भी देखता है देखता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन भाई यार ये पैक करवा दे आपको, घर ले जाना, घर ले जाना सही है। तूने खुद ने नहीं देखा यार, आप लोग सब्र करो, मैं ना जरा आया वॉशिंग से होके बाथरूम में पकड़ लेंगे यार, मैं आ रहा हूँ एक मिनट में आ रहा हूँ। तो खैर खाना वगैरह हमने खा लिया था, अब जरा अल्लाह करे ये लोग मेरे साथ कोई बेइज्जती ना मारे, नहीं तो काफी मजा आ रहा है इधर, क्योंकि पिछली बार इन्होंने ना मेरे ऊपर बहुत अंडे वगैरह मारे थे, तो इस बार मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार अंडा ना 25 रुपए का हो गया है। 20 यार 20 दुकान है की तुसी जंगल वादा सारा आ गए। ओए यार ये तो बंद हो गई बैठो यार अपने लेजेंडर में। तो यार ये हमारा है जी लेजेंडर, अभी हम इसमें बैठने लगे हैं। तो भाई ये वाला हमारा लेजेंडर है, किधर उधर देख रहे। तो गियर लगाओ यार जैन भाई, एक लग जा। उमर की कल्टस है यार, इसको बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है, तो गियर भी बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, पहला लगाओ तो रिवर्स में चल जाती है। नहीं भाई छोटे तो मारे हमने यार। तो यार शुक्र है उन्होंने ना मेरे ऊपर अंडे भी मारे। सो गाइस ये था आज का मेरा व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम उमर रिव्यूज ऑफिशियल पर फॉलो करें। नींद आ रही है यार, बाय बाय।